एवरीवन, हम सभी आजकल अपने रूटीन को लेकर और अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही अवेयर हो रहे हैं, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है। हम सभी लोग अपने खान पान का ध्यान दे रहे हैं, बाहर घूमना फिरना, इन सभी के साथ अगर हम थोड़ा सा समय और अपने लिए निकालें तो हम अपनी नेचुरल थेरेपी का यूज करके अपने हेल्थ को और इम्प्रूव कर सकते हैं और इस नेचुरल थेरेपी का फायदा उठा सकते हैं। शब्दों की बात में आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हमारी नेचुरल थेरेपी। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेशर पॉइंट और कलर थेरेपी बिल्कुल नेचुरल थेरेपी है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम इसे बार बार आपसे कह रहे हैं और जो भी गाइडेंस हम बार बार आपसे शेयर कर रहे हैं, आप प्लीज उसे इम्प्लीमेंट करिए। तो इस विषय पर हम बात करेंगे। आज फिर से हमारे साथ है सिंधु गुप्ता मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हेलो। तो मैम, जो कि हमारा आज का विषय है माइग्रेन, तो प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि माइग्रेन क्या है और जो भी लोग इससे परेशान हैं या सफर कर रहे हैं, वो कैसे प्रेशर पॉइंट के थ्रू इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं। देखिए, अगर नेचुरल थेरेपी से ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ी सी करते हैं माइग्रेन होता क्यों। जो होता है या तो नींद पूरी नहीं, स्ट्रेस में रहते हैं। जब हम लोगों का स्ट्रेस जाता है, हेडेक, माइग्रेन, शुरू में तो हल्के दर्द से शुरू होता है, फिर जब यदि हम उसकी केयर नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइग्रेन का रूप ले लेता है। तो एक्यूप्रेशर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप उनको प्रेशर देके अगर रेगुलर आप करते हो तो आप माइग्रेन को अपना धीरे धीरे कम करेंगे। अगर दवाइयों पे हैं तो धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी और फिर पूरा ठीक हो जाएगा। जैसे रेगुलर रूटीन में हम लोग देखिए खाना खाते हैं, अपना जो भी हमारा नॉर्मल रूटीन है, ऑफिस जा रहे हैं, अगर हम 10-15 मिनट मॉर्निंग में अपने लिए समय निकाल लें प्रेशर पॉइंट देने के लिए, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ये तो अभी तो हम खाली डिस्कस कर रहे हैं माइग्रेन के लिए। एक्यूप्रेशर में हम लोग हर डिजीज को ठीक कर सकते हैं बट विद रेगुलर प्रैक्टिस। अभी तो हम सिर्फ इसको जानकारी दे रहे हैं आप लोगों को कि आप इससे अपने आपको ठीक कर सकते हैं। और जो हमारा मोटिव है कि हर घर में एक एक्यूप्रेशर थेरेपी जरूर हो, ताकि जो आपकी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं आप उनमें एक तो फायदा उठा सके जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं, और फिर रेगुलर यदि करेंगे तो आपको वो सिचुएशन आएगी ही नहीं लाइफ। तो दोनों चीजें काउंट करती हैं, लेट नाइट सिटिंग्स, कंप्यूटर बहुत ज्यादा बैठना आपका, और अगर आप बहुत तला भुना खाना, स्पाइसी फूड खाते हैं तो भी कई बार ये माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है मैम। तो मैम प्लीज आप हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ अपने टेक्निक्स आप हमें बताइए कि हम माइग्रेन के साथ कैसे प्रेशर पॉइंट्स, कौन से प्रेशर पॉइंट यूज कर सकते हैं जिससे हमें फायदा हो। देखिए, ईश्वर ने हमारे हाथ की पूरी रचना ऐसी की है कि हम अपने पूरे हाथ के ऊपर अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो वो बॉडी ऑर्गन्स के अगर हम थोड़ी सी भी अपने रखे की भी माइग्रेन यदि मेरे को स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, सर में दर्द, अगर आपके सर में दर्द है तो आप एक्यूप्रेशर के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, या अगर वो भी नहीं है तो आप घर में कोई भी चीज पेन पेंसिल से कर सकते हैं। हमारा एक्यूप्रेशर में हेड एरिया इस एरिया पे आता है, तो जी, ओके, इस एरिया पे हेड एरिया आता है, तो इस पे आप लगातार प्रेशर करेंगे। ठीक है, इस पे प्रेशर देने के साथ साथ यदि आपका स्ट्रेस रिलेटेड पॉइंट है तो आप अपने हर फिंगर धीरे धीरे यहाँ प्रेशर देंगे। ओके, दीज आर योर ब्रेन पॉइंट्स। अगर आपको टेम्पल एरिया में दर्द है तो यहाँ से आप प्रेशर देंगे, क्योंकि अंगूठे पे का पूरा हम फेस बनाते हैं, तो हेड एरिया आपका पूरा फेस होता है, उसके अंदर पूरा आपका सर हेड को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, एक्यूप्रेशर की विधि में सर हमारा राउंड शेप में होता है, तो हमारे एक्यूप्रेशर के हेड एरिया के सारे पॉइंट्स हमारे हम एरिया पे आते हैं, तो हम और हर उंगली पे ये पॉइंट्स हम प्लॉट कर सकते हैं। तो आपने हर उंगली पे अपना धीरे धीरे प्रेशर करना है। अगर आपको स्ट्रेस की शिकायत है तो इधर दोनों प्रेशर देने के बाद यहाँ धीरे धीरे, ओके, इस तरह से। तो ये अब हाँ, यस, ये प्रेशर आपको देना है। और प्रेशर इतना जेंटल प्रेशर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत तेज दबाएंगे, जितना आप बर्दाश्त कर सके।
तो आप पहले धीरे धीरे शुरू कीजिए, आपको इवन यू कैन लोकेट योर ओन पॉइंट। जब आप प्रेशर देना शुरू कर रहे हैं ऐसे धीरे धीरे, तो कहीं पे तो आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, कहीं पे आपको दर्द होगा। तो जहां पे दर्द होगा तो समझ लीजिए कि वही आपका मेन पॉइंट है और उसको आपको ज्यादा प्रेस करना है। तो ज्यादातर तो हम कहते हैं कि अगर लोकेट कर लिया वहां पे एक मेथी दाना लगा लीजिए और ठीक हो जाएगा। तो आप 10 की 10 फिंगर्स पे, बहुत जब हेडेक है आपको या हल्का सा शुरू भी हुआ है तो इस तरह से आप अपनी 10 की 10 फिंगर्स पे इसको कर सकते हैं। प्लस एक्यूप्रेशर में क्या है कि है रिंग, क्योंकि हमारी सारे फिंगर्स तो चलती है बहुत आराम से चलती है, तो इस एरिया हमारा फ्रंट एरिया बेसिकली हेड एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो अगर हम पूरी उंगली पे करेंगे तो बहुत ही फायदा होगा सभी के लिए। आपने इसको पूरा इस तरह से हेड एरिया पे करना है। हल्का दर्द शुरू हुआ, आप धीरे धीरे यदि इसको भी करना शुरू कर देंगे 10 की 10 फिंगर्स पे, इवन अपनी पैरों की फिंगर्स पे भी, क्योंकि पॉइंट सेम है, हाथों पे जो पॉइंट है वही पैरों पे है, क्योंकि इस पे हम हाथों पे रिप्रेजेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो वी जनरली यूज हैंड पॉइंट्स, हाथ पे ही हम करते हैं बताते हैं और हैंड ही मसाज ही बताते हैं। तो ये तो हो गया कि आपने हेड के सारे पॉइंट ले लिए जी, रेगुलर आपने किया, धीरे धीरे दबाया। अब यदि आपको गैस के कारण ये जो वो पॉइंट्स दे रहे हैं, ये आप प्रेस कर रहे हैं स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए जी। अगर आपको गैस बहुत बनती है, डकारें बहुत आती हैं और पेट में जलन रहती है और उसके बाद आपको हेडेक कन्वर्ट होता है, जो आपकी स्टार्टिंग होती है शुरू से कि भाई शुरू में आपको डकारें बहुत आ रही हैं, पता चला शाम तक आपका हेडेक इतना बढ़ गया कि आपको चक्कर भी आ रहे हैं और आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अपनी ये जो हमारी सबसे रिंग फिंगर है जी, रिंग फिंगर को आप अपने पाम पे ऐसे रखेंगे, जहां पे ये हमारी पाम जहां आगे पूरी लेके आएंगे, पूरी लेके आएंगे आगे तक, जैसे पूरी जहां पर आपकी टच हो रही है, तीन कलर करना है ओके, जिसका भी जहां पे लिया, जहां पे आपका आया हाथ वहां पे आप ऐसे ग्रीन सर्कल बना देंगे ठीक है मैम, और दोनों हाथों में बना देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। दोनों हाथों में सर्कल बना दीजिए और ग्रीन कलर से, और आपके पास यदि कोई भी जिमी है, करेला है, इस तरीके से आप अपने सारे जब बॉडी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेंगे तो वो आपका सारा स्टमक का एरिया जितना भी है, तो आपके धीरे धीरे गैस या वो सारी चीजें जैसे ही जब रिलीज होनी शुरू होंगी तो उसमें आपको आराम आएगा। एक जो मैंने देखा है कि माइग्रेन के पेशेंट्स अंधेरे में बैठना चाहते हैं, किसी को बात करना नहीं पसंद करते हैं जी, उनको गुस्सा भी बहुत आता है और चक्कर आने लगते हैं, तो जिन पेशेंट्स को चक्कर की शिकायत होती है तो वो अगर हेड एरिया पे ब्राउन कलर करें, चक्कर की स्थिति में जब आपको बहुत चक्कर भी आ रहे हैं तो उस टाइम पे आप ब्राउन कलर करेंगे हेड एरिया पे जी, बिल्कुल हेड एरिया पे, यहाँ पे ओके ब्राउन कलर करके इस पे आप मेथी दाना लगा लेंगे Okay. और अगर बहुत सीवियर हेडेक है एंड उसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, देन यू यूज ब्लैक कलर। ओके, सेम पॉइंट पे मैम? सेम पॉइंट पे क्योंकि हर पेशेंट का प्रोटोकॉल डिफरेंट हो जाता है। दिस इज वेरी जनरल, ये बहुत जनरल मैं आपको बता रही हूँ। इन जनरल, अगर आपको इन जनरल में ही फर्क पड़ता है तो मैं हर एक को यही कहूंगी, या तो आप लोग सीख लें या प्रॉपर अपना एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनवा लें और उसको रेगुलर बेस पे करते रहें, और जैसे जैसे आपको आराम आता चला जाएगा वैसे वैसे आप उसको ठीक कर सकते हो।